Hello everyone, myself Saavedi Sarkam and I am your mentor for your UGC NET Economics exam. In this particular session, we are going to revise all our concepts regarding to public finance. हम public finance के जो topics हैं, उनको revise करेंगे. Public finance बहुत ही ज़्यादा important topic है and usually students miss out on this particular part, but ये Brownian subject है. एक ब्राउनी सब्जेक्ट है जहां पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं. यू कैन इजीली गेट 6 to 8 मार्क्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर वीडियो. बिफोर गेटिंग इन टू द वीडियो, लेट्स डू द कस्टमरी थिंग. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट. ये जो सेशंस हैं हम तब तक लेते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता इस दिन में. आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम. ये पर्टिकुलर टाइम आ गया है कि अब आप अपनी रिवीजन को स्टार्ट करते हैं. ऑल्सो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन योर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स. ऑल्सो यू कैन पोस्ट योर डाउट्स देयर, आई विल सॉल्व देम देयर. Also, I have a great announcement for you guys. Since exam is close, we have come up with this great course where you will get mocks to gauge your success. Also, you will get detailed PDFs regarding all the topics in your syllabus. Also, you will get videos to explain all those concepts. तो ये बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट कोर्स है फ्रॉम द यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो डू चेक आउट आवर वेबसाइट anujindal.in और कॉन्टैक्ट अस एट 9999466225. ऑलराइट गाइस, लेट अस मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ. नॉट में थोड़ा स्ट्रेस देना, कई बार ये हाईलाइटेड नहीं होता नॉट, तो वी एक्चुअली मिस आउट ऑन दिस पर्टिकुलर नॉट. यहां से आपसे ये नहीं पूछा कौन सा पार्ट है. कभी एकदम से एग्जाम में टाइम क्रंच होता है, क्वेश्चन पढ़ा, इट माइट हैपन विद यू गाइस कि आप एकदम से इनकरेक्ट आंसर को मैच कराएं. पार्ट ए सेज कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट, पार्ट बी सेज डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, पार्ट सी सेज इंस्पेक्शन इफेक्ट and part D says taxation effect. So kindly let me know in the chat box what you think is the correct answer and we'll just revise our concepts related to Wiseman-Peacock hypothesis. So do let me know in the chat box. Okay guys, so let us revise Wiseman-Peacock hypothesis. तो ये कहते हैं कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो प्रोसेस है, इट डज नॉट हैपन इन अ कॉन्टिन्यूअस मैनर. कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं होता, इसमें जर्क्स लगते रहते हैं. ये जर्क्स क्या है? जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर इनिशियली कम होगा एंड देन गवर्नमेंट विल रियलाइज कि इसको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है एंड देन दे विल इंक्रीज द पब्लिक स्पेंडिंग. सो इट डज नॉट हैपन इन अ वेरी कॉन्टिन्यूअस मैनर कि एकदम से धीरे धीरे करके पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है. नो, ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है जर्क्स के साथ, मतलब धक्के लग लग के जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज करता है. अंडर द चेंज कंडीशन का मतलब क्या है? जो पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया है, द रिस्ट्रेंट्स गिव अवे. तो क्या होता है, पहले तो लोगों को रियलाइज नहीं होता कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो कम हो रहा है, लेकिन बाद में दे व्हेन एक्चुअली पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस ड्रास्टिकली, लोगों को फर्क पता चलने लगता है. ज़्यादा अच्छी वेलफेयर सर्विसेज उनको मिल रही हैं, ज़्यादा अच्छा हेल्थ केयर मिल रहा है. सो दे रियलाइज कि जो ये सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर हैं उनका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है इन द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री, राइट. सो यू रियलाइज कि पब्लिक एक्सपेंडिचर और इंक्रीज करना चाहिए. अब आप अपने ओल्ड लेवल ऑफ टैक्स टॉलरेंस जो था
उससे बढ़ के नेक्स्ट पे आ गए तो आप डिस्प्लेस हो गए हैं, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. देन यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग मोर अपने पुराने पार्ट में से, यू आर गेटिंग टू अ न्यू पॉइंट वेयर पब्लिक एक्सपेंडिचर इज मोर, यू हैव डिस्प्लेस्ड योर सेल्फ. नाउ पीपल एक्चुअली रियलाइज कि ये जो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट है वो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं अपने आप को कि हमें ज्यादा स्पेंडिंग करनी चाहिए थी, हमें ज्यादा टैक्स टॉलरेंट होना चाहिए था. तो वो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ टैक्स टॉलरेंस पे पहुंच जाते हैं. सो दिस इंट्रोस्पेक्शन, दिस इंस्पेक्शन इज नोन एज इंस्पेक्शन इफेक्ट. ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि ओवर टाइम द टैक्स टॉलरेंस इज गोइंग टू राइज. राइट गाइज, नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट. तो अब ये टैक्स कौन लगा रहा है? टैक्स लग रहा है हम पे टू इंक्रीज द पब्लिक एक्सपेंडिचर. वी आर टैक्स्ड बिकॉज द गवर्नमेंट नीड्स टू इंक्रीज देयर पब्लिक एक्सपेंडिचर. अब टैक्स में एक हाइयर टॉलरेंस लेवल पे पहुंच गया हूँ, मैं टॉलरेट कर सकता हूँ ज्यादा लेवल ऑफ टैक्स. क्यों? क्योंकि अब मुझे दिख रहा है चेंज इकोनॉमी में, वेलफेयर एक्टिविटीज में, हेल्थ केयर में, हर चीज में मुझे एक बदलाव दिख रहा है. सो मैं क्या करूंगा कि मैं ज्यादा टैक्स टॉलरेंट हो जाऊंगा, मुझे टैक्स देने की आदत पड़ जाएगी. अभी टैक्स ले रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक टेंडेंसी हो जाएगी कि उसके पास सारा जो रिवेन्यू है वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है. तो जो लोकल लेवल पे जो भी लोग हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, और जो आपकी और रिवेन्यू जनरेटिंग अथॉरिटीज हैं, उनके पास जो भी पॉसिबल आउटकम है फ्रॉम योर पब्लिक एक्सपेंडिचर वो कम होगा, क्योंकि वो टैक्स ज़्यादा रेज नहीं कर पा रहे हैं. इसका मतलब कॉन्सेंट्रेट कर जा रहा है जो आपका रिवेन्यू है वो कहाँ? सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ आ रहा है. सेंटर जैसे पुल कर रही हो सारे के सारे रेलिवेंट रिवेन्यू को अपनी तरफ, इसीलिए वो ज्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर भी कर पा रही है. सो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट. ऑल दीज इफेक्ट्स आर द पार्ट ऑफ वाइजमैन पीकॉक हाइपोथेसिस. नाउ आई होप ऑल ऑफ यू वुड बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेट मी क्विकली सी द चैट बॉक्स. ओके, अ लॉट ऑफ यू आर सेइंग डी टैक्सेशन इफेक्ट. सो इंडीड टैक्सेशन इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर. सो कूडोस टू ऑल ऑफ यू हु हैव बीन सेइंग डी. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू सेज अ टैक्स रेट टू बी डायरेक्ट. A tax is said to be direct when. Tax को direct tax कब कहा जाता है? Option A says impact and incidence fall upon the same person. Impact और incidence का मतलब क्या है? कि आपने जो tax लगाया वो आप pass on नहीं कर पा रहे हैं, उसका जो fall of income है tax की वजह से आपकी income level fall कर जाती है, उसका impact और इंसिडेंस सेम ही बंदे के ऊपर लग रहा है. नेक्स्ट इज ओनली इंसिडेंस फॉल अपॉन द सेम पर्सन. सी पार्ट सेज इंपैक्ट इज शिफ्टेड टू अनदर पर्सन. एंड डी पार्ट सेज पर्सन एस्केप्स फ्रॉम पेइंग टैक्स. पर्सन जो है वो एस्केप कर जाता है, मतलब उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट भी नहीं पड़ रहा, कोई भी इंसिडेंस भी नहीं पड़ रहा है. सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट यू थिंक इज द करेक्ट आंसर. डायरेक्ट का मतलब आप सभी लोगों को पता होगा, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि एक गिवन पर्सन पे ही लगेगा वो टैक्स और किसी पे वो टैक्स जो है वो नहीं लगेगा. जैसे कि आपका इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आप उसी बंदे से लेते हैं जिस पे वो टैक्स लग रहा है. नेक्स्ट इज योर जीएसटी विच इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है ये? किसी पे लगा लेकिन पास ऑन हो गया.
ऐसे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज से जो रिलेटेड टैक्स है, सेल्स टैक्स है, वो आप पास ऑन कर सकते हैं। उसका इंसिडेंस जो प्रोड्यूसर है वो पास ऑन कर सकता है रिटेल जो कंज्यूमर है उस पे से, और रिटेल जब वो लेके जाता है और फाइनली वो मार्केट में आता है तो वो और आगे शिफ्ट हो सकता है कंज्यूमर्स पे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ आई होप मोस्ट ऑफ यू वुड बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन बट ये एग्जाम में आया हुआ है। दिस इज अ पास्ट ईयर क्वेश्चन, सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिकम इवन मोर रेलिवेंट। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो यहाँ से डायरेक्ट टैक्स पूछा जाए, इनडायरेक्ट टैक्स पूछा जाए, मैच द फॉलोइंग पूछा जाए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आता है यू गाइज वुड बी एबल टू आंसर। सो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स वट डू थिंक इज द करेक्ट आंसर। Is it A, is it B, is it C or is it D? Do let me know in the chat box. All right. A lot of answers are coming up. All right guys. So in fact, the answer is A. A lot of you have been saying A. A is the correct answer. I hope there are no doubts. And let us move on to the next question. A toll tax is a tax on which of the following? A toll tax is a tax based on which of the following? A says the benefit principle, B says horizontal equity, C says vertical equity, and D says tax progressive tax. So do let me know in the chat box कि आपको क्या लगता है tax, toll tax जो है वो किस principle पे based है। टोल टैक्स क्या होता है, कोई भी अगर आप सर्विस यूज करते हैं तो उस पे जो लगा हुआ टैक्स होता है दैट इज योर टोल टैक्स। सो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, टेक अ गेस हियर। ये इनफ हिंट मैंने अभी आपको दे दिया है, टेक अ गेस एंड डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टर्म्स, हॉरिजॉन्टल इक्विटी, वर्टिकल इक्विटी एंड द टैक्स प्रोग्रेसिवनेस। टैक्स प्रोग्रेसिवनेस का तो मतलब इज स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट इट इज द टैक्स स्लैब इज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन द इनकम। मतलब पुअर लोगों को कम टैक्स लग रहा है और जो रिच हैं उनको ज्यादा टैक्स लग रहा है, जस्ट लाइक योर इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स इज अ टैक्स प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल, इज बेस्ड ऑन टैक्स प्रोग्रेसिवनेस। Let us understand the benefit principle. Benefit principle is a concept in the theory of taxation from the public finance where you have to, the willingness is actually dependent कि आप वो सर्विस यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल टोल टैक्स, तो टोल टैक्स कम्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट। ओके, नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल इक्विटी। Now, horizontal equity is an economic theory that states that individual in the similar income asset should pay the same amount in taxes. इसका मतलब क्या है कि अगर आप same उसमें हैं, state में हैं, आपको same जो tax है वो pay करना चाहिए। For example, a given income tax slab, तो उसके अंदर हर income tax slab में गिवन स्टेट के बंदों को जिनकी इनकम कुछ लाख रुपए है उनको गिवन टैक्स रेट पे करना पड़ता है, और दैट इज इन यूनिवर्सल इन दैट पर्टिकुलर स्लैब। राइट गाइस, नेक्स्ट इज योर वर्टिकल इक्विटी। वर्टिकल इक्विटी इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स इन विच टैक्स इज इंक्रीज्ड एज द अमाउंट ऑफ इनकम इज इंक्रीज्ड। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज करेगी वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स भी इंक्रीज करता रहेगा। सो दिस इज द वर्टिकल इक्विटी। नाउ दैट वी नो ऑल दीज डेफिनेशन यू गाइज वुड बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट डू थिंक इज द करेक्ट आंसर। सो अ लॉट ऑफ आंसर्स आर कमिंग अप। ओके, so I can see a lot of you are answering part D. Part D is the correct answer.
So kudos to all of you who have been answering D. Great guys. So let us move on to the next question. Question number 4. Which of the following is not the method of debt redemption? Debt redemption ka इनमें से कौन सा मेथड नहीं है? रिफंडिंग, रेप्यूडिएशन, सिंक फंड और कैपिटल लिवाई. सो टेक योर टाइम विद दिस क्वेश्चन एंड डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी क्विकली सी द चैट बॉक्स इफ यू गाइज हैव एनी डाउट सो फार. All right, guys. So do let me know in the chat box. आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या है? ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पास्ट ईयर में आया हुआ है. सो ये और भी ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है हम सब लोगों के लिए इसको सॉल्व करना और इसके हर एस्पेक्ट को डिफाइन करना, विच वी आर गोइंग टू डू इन अ मिनट. एंड यू गाइज कैन टेक अ टाइम, टेक योर टाइम विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस. पहले हम स्टार्ट करते हैं डेट रिडेम्पशन का क्या मतलब है. रिडेम्पशन, किसी चीज को रिडीम कर लेना, इसका मतलब है डेट को रिडीम करना. कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दिया आपने डेट के साथ तो आप उसको रिडीम कर सकते थे. आप पॉइंट्स रिडीम करते हैं, कहीं पे कुछ खरीदने जाते हैं वो कुछ पॉइंट्स दे देते हैं आपको. ऐसे रिडेम्पशन का मतलब है कि उस चीज को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं आप. तो इनमें से कौन से तरीके हैं वो करने के, सर लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दीज वन बाय वन. ओके, कैपिटल लिवाई क्या है? कैपिटल लिवाई इज स्ट्रिक्टली डिफाइंड एज अ डायरेक्ट टैक्स असेस्ड साइमल्टेनियसली ऑन द कैपिटल रिसोर्स. ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ डेट रिडेम्पशन. सेकेंड इज रिफंडिंग, रिफंडिंग कर सकते हैं. रिफंडिंग ऑफ डेट इंप्लाइज द इश्यू ऑफ न्यू बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू पे फॉर द मेच्योर लोन्स. अब आपको, अब आपसे आपके जो लोन्स हैं वो पे नहीं हुए, और किससे नहीं हुए? गवर्नमेंट से नहीं हुए. तो वो क्या कर सकता है? रिफंड कर सकता है. रिफंड करने का मतलब क्या है? नई सिक्योरिटीज, नए बॉन्ड्स मार्केट में आ जाए जिन्हें लोग खरीदें, सो दैट गवर्नमेंट पुट ऑन सम मनी. दिस इज कॉल्ड रिफंडिंग. नेक्स्ट इज सिंकिंग फंड. सिंकिंग फंड इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ डेट रिडेम्पशन इन विच फंड्स क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट आर ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड एवरी ईयर बाय सेटिंग असाइड अ पार्ट ऑफ द करेंट पब्लिक रिवेन्यू इन सच अ वे दैट इट वुड बी सफिशियंट टू पे इन अ फ्यूचर डेट. इसका मतलब क्या है कि आज से ही आप एक सेविंग फंड जैसा हो गया. सिंकिंग फंड मतलब एक सिंक बना के रख रहे हो, उसमें सेविंग की तरह सेविंग हो रही है उसमें. लेकिन बट कंडीशन क्या है? आपने फ्यूचरिस्टिक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लिया हुआ है यहाँ पे, कि आप फ्यूचर का थोड़ा सोच के रहेंगे कि आपको इस पर्टिकुलर सेविंग्स में इतना पार्ट डालना ही डालना है ताकि आप इस फ्यूचर डेट पे जो पुराना लोन है उसे पे कर पाए. ओके, सो लेट अस कम बैक टू आर आंसर. अब ये बेसिक थोड़ी सी नॉलेज से भी हो सकता है. रेप्यूडिएशन का जो मतलब है, दैट मीन्स कि आपने पूरा का पूरा किस चीज को फोरफिट कर दिया है, पूरा का पूरा खत्म कर दिया है किसी पूरी चीज को. दिस इज रेप्यूडिएशन, राइट? एंड वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ऑल द अदर टर्म्स एंड देयर रेलिवेंस टू द डेट रिडेम्पशन. सो आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू वुड बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ना. ओके, आई होप देर आर नो डाउट सो फार. ओके, वेरी गुड गाइज. ऑल राइट, अ लॉट ऑफ आंसर आर कमिंग अप एंड अ लॉट ऑफ यू आर सेइंग बी. बी इज द करेक्ट आंसर. सो राइट, कुडोज टू ऑल ऑफ यू हु हैव बीन सेइंग बी. Let us move on to the next question. Question number 5. It says liquidity approach is also known by the name
गर्ली शॉ अप्रोच, रैडक्लिफ अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉनिटरिस्ट अप्रोच. ठीक है, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट यू थिंक इज द करेक्ट आंसर. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम योर पास्ट ईयर्स. पास्ट ईयर्स को ऐसे एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाए. बट सिर्फ पास्ट ईयर्स करके नहीं, याद करके नहीं जाने हैं, उनके कॉन्सेप्ट भी हैं जो वो भी रिवाइज करके जाने हैं. ओके, सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर. Liquidity approach. Now it was taken in 1950 and on the recommendation of the Radcliffe Committee in England, based on the works of Gurley Shaw. ठीक है, ये कहते थे कि जो liquidity आज तक जो मान रहे थे classical economists और Keynesian economists, वो दोनों ही गलत हैं, ऐसे नहीं काम करती है. देर आर सो मैनी अदर एसेट्स इन द इकोनमी विच आर डिपेंडेंट एंड विच एक्चुअली क्रिएट्स अ सप्लाई फॉर मनी. जो आपके रियल स्टेट्स हो गए या आपके कोई और एसेट्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, वो भी इकोनमी में लिक्विडिटी को बहुत इम्पैक्ट करते हैं. लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करते हैं, इसका मतलब उन्हें भी आपको इंक्लूड करना चाहिए लिक्विडिटी में. सो दिस वॉज द गर्ली शॉ अप्रोच और द लिक्विडिटी अप्रोच. ऑलराइट गाइज, सो नाउ आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट यू थिंक इज द करेक्ट आंसर. एंड दिस इज अ 5-question सीरीज और हम 5th क्वेश्चन पे हैं. सो मोस्ट ऑफ यू वुड बी एबल टू लेट मी नो कि आपके 5 में से कितने मार्क्स आए. अपने तैयारी को गेज करने से थोड़ा सा टेम्परमेंट डेवलप होता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सो थोड़ी कॉम्पिटिशन की फीलिंग आनी चाहिए. सो अपना जो स्कोर है बाकी सबके साथ भी कंपेयर कीजिए और अपने स्कोर को जरूर बताइए, ताकि सभी का कलेक्टिवली बेनिफिट हो पाए यहाँ पे. ओके, लॉट ऑफ आंसर्स आर कमिंग अप. नो इट इज नॉट बी. ओके, so the correct answer is A. A lot of you have been saying A and A is the correct answer. So kudos to all of you. This is the last question for your series and do let me know in the chat box ki aapke kitne marks aaye. I hope you liked this session. If you did, please give it a thumbs up. Thank you and have a very nice day.